तो कैसे हो भाई लोग, स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से। अगर पिछले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाओ। और गाइस, मेरे को ये नहीं पता किसी रीज़न से मेरा इस वीडियो का और लाइक ऑडियो रिकॉर्डिंग हुआ था, पता नहीं किस रीज़न से, पर कोई नहीं यार, तुम लोग को गेम प्ले देखना मैं दिखाऊंगा ना। तो इसी बात पे हम लोग थोड़ा सेफ उतरते हैं रोज़ॉक पे, क्योंकि जब हम लोग की मैचेस थोड़े बकचोदी वाले होते हैं ना, तो अपन का इंसान जाग जाता है, बोलता है कि भाई नहीं, सेफ खेलो फिर रश करो। तो हम लोग ने वही किया, रोज़ॉक लूटे धीरे सुस्ते आराम से। और फिर और गाइस, ये बात वीडियो में क्या था कि लॉबी थोड़ा तगड़ा था, तो लॉबी भाई जब तगड़ा होता ना, फाइट्स भी बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। लाइक मेरे को तो लाइक 40 जब 46 बंदे थे तब तक मेरे को जीरो किल था, उसके बाद से आई स्टार्टेड किलिंग। और ये होता है गाइस लालच का फल। लेग ड्रॉप लेने गया था और मेरे को अभी लोग ने भाई कर दिया था, राम राम सत्य, पर बच गया यार, कोई नहीं, अपने टीममेट्स थे और मैं भी था, तो मैं भी तो हेडशॉट वेडशॉट मारा, तो वो लोग भी सोच रहे नहीं भाई अपन प्रो है, ऐसा बात है। तो हम लोग ने उसको रश किया अभी और मारने का सीन है। बट अल्टीमेटली ये फाइट का एंड में जो सीन है कि हम लोग को उसका लास्ट बंदा मिला ही नहीं, वो एक बंदा कहीं पे पता नहीं छुप के टीपी फी लेता रहेगा और कुछ नहीं कर। भाई ज़िंदगी में ना प्यार उतना दुख नहीं देता जो भाई जब तुमको ट्रक के नीचे से पैर पे गोली पा रहे ना, वो देता है तुमको भाई। वो भाई दिमाग सटक जाता है जब किसी बंदे को वो ट्रक के नीचे से भाई पड़ता है ना, वो भाई इसको देखो भाई क्या सुंदर। मैं तो भाई सेफ हूँ भाई, बट पैर भी पड़ रहा था इनको और मैं इनको ऐसे ही मार रहा था कब से, क्योंकि मेरा बहुत से एंगल था, तो भाई इसमें तो भाई दिमाग एकदम उड़ जाता है। पर यहाँ पे हमारे खतरनाक सा एकदम खतरनाक वाले सोचे कि मैं तो भाई रश करूँगा और रश किए और उनका भी खतरनाक वाला मौत एकदम लिखा था और वो मर गए। और ये गाइस होता है ब्रिज कैंपिंग का एडवांटेज। और जब जोन भाई तुम्हारे साइड हो और तुमको किसी को आना है भाई, ऐसा ही होता है भाई, वो अलग बात है। मेरा स्प्रे थोड़ा बुरा जा रहा था क्योंकि पट सही यार, कोई नहीं, मैं इतना फोर स्प्रे नहीं करता, तुम लोग को पता है मैं 6-6 स्पेशलिस्ट हूँ, ये सब काम मेरा नहीं है, पर फिर भी करना पड़ता है सिचुएशन अकॉर्डिंगली। और तो जैसे मैंने बताया तो लॉबी थोड़ा तगड़ा था, तो देखो गाइस जोन भी बहुत छोटा था, पर 19 जन बचे थे और लाइक बहुत टफ वाले बंदे थे, सब सही है। और गाइस मैं तुमको एक माँ कसम खा के बताता हूँ, इधर मैं नॉर्मल पेड़ में जिनको मारा वो सब सही है, पर एक जगह मैं तुमको बताता हूँ, अब भाई सुनो, ये जो तुम देख रहे हो ना, मैं माँ कसम मेरे दोस्तों के लिए एनिमीज हेड मार्क करने गया, तो मेरे को पता नहीं लगा कैसे वो हेडशॉट हो गया, मैं लिटरल कुछ देर के शॉक। तुम लोग भी देखा होगा मैसेज का बटन खुला था, उनको हेडशॉट, मतलब मैं मैसेज एनिमीज हेड मार्क करने गया, वो पता नहीं कैसे हेडशॉट हो गया। ऐसा होता है पबजी में, बहुत कुछ होता है, और अभी अपडेट के बाद से, इतने ग्लिच के बाद से तो बहुत कुछ होता है पबजी में।
और भाई ये होता है भाई ऑलवेज जोन को प्रायोरिटी देने का फ़ायदा भाई, जब लास्ट में सर्कल लो प्रायोरिटी भाई तुम्हारा जोन तुमको मिल चुका है जोन भाई, तब भाई ऐसे ही सीन होते हैं खतरनाक वाले दूसरे टीम लोग के साथ। तो कैसे मस्त भाई हम लोग आराम से कवर में रहके हुए उनका टाम राम राम सत्य है एकदम कर रहे थे और मस्त में किल। और इधर हम लोग ने सोचा था कि भाई रश करते ख़त्म करते, पर हम लोग ने सोचा वाई जोन इज स्मॉल और जोन में ही वो लोग मरेंगे, तो क्यों भाई अपने ज़िंदगी को रिस्क में डालना। ओ भाई इधर तो फटने वाली सिचुएशन हो गई थी भाई, कैसे वॉल्ट मार के वो बंदे को मार के फिर इधर मारना पड़ा। इतने टाइम में हमारे ऑल टाइम केमियोज भाई साहब शहीद हो गए अपने, और भाई बचे कौन अपने वांड भाई और हम भाई, तो हम दोनों भाई मिलके चिगेंडी में लाने का फुल कोशिश करेंगे, ज़रूर लाएंगे। अब ये लास्ट बंदे को वांड ने मार दिया भाई, तो यार वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाओ। तो मैं फिर मिलूंगा आपसे वापस एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू, और पबजी खेलो और ग्लिचेस का मजा लो।